Hello everyone, so today we will talk about K-Block Free. Its composition is acebrofilin 100 mg capsules. Packing is 10 into 10 LULU and its MRP is 110 per strip. Now we will talk about its class of drug. So basically acebrofilin, it is a bronchodilator which is used to prevent or treat the symptoms of asthma and other pulmonary disorders. Now its indications. So first indication is asthma. इसको asthma के symptoms को treat करने के लिए और prevent करने के लिए use किया जाता है. Next is severe or chronic bronchitis. Bronchitis means inflammation or swelling of bronchioles. Next indication is COPD. COPD means chronic obstructive pulmonary disease. ये क्या होता है, एक लंग डिजीज़ है जिसमें जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, विच कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं. सो दीज ऑल आर द इंडिकेशंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये वर्क कैसे करता है? सो बेसिकली इट इज़ अ म्यूकोलाइटिक और ब्रोंकोडाइलेटर. म्यूकोलाइटिक है तो ये क्या करेगा, म्यूकस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, विद जिसकी वजह से म्यूकस थिन हो जाता है एंड लूज, इट हेल्प्स टू लूजन्स द म्यूकस, जो जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है एंड ब्रीदिंग ईजी हो जाती है बिकॉज वो ईजिली एक्सपेल आउट हो जाता है एयरवेज से. नेक्स्ट जो है ये ब्रोंकोडाइलेटर है. ब्रोंकोडाइलेटर है तो ये ब्रोंकियोल्स मसल्स को रिलैक्स कर देता है, वाइडन अप कर लेता है, डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ CAMP. CAMP मींस साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये हेल्प करता है जो हमारा म्यूकस है उसको, उसकी क्लियरेंस में हेल्प करता है एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन है. सो इट हैज़ ड्यूअल एक्शन, इट वर्क्स एज अ म्यूकोलाइटिक एंड ब्रोंकोडाइलेटर. नेक्स्ट इज इट्स डोजेज. इसकी जो डोज रहती है 1 capsule twice a day or as directed by the physician. And we also have K-block free 200 milligram sustained release tablets. Composition is acebrofilin 200 milligram sustained release tablets. MRP is 190 per strip and packing is 10 into 10 LULU. Thank you.